भाई साहब ये ट्रक देख कैसे खड़ा हुआ है। ओ, 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 ओ। हमारी हायाबूसा हमारे पास आ चुकी है वापस। ये रही ओ बाप। और साथ में इसका ये वाला लीवर गार्ड भी टूट गया था, हमने ये भी चेंज करा दिया। कपड़े हैं हाईवे के ऊपर और हमारी हस्की में हो गया पेट्रोल खत्म। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अंदर नहीं जाना, मुंह दिखा एक बारी, ऊपर कर ये देखो। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 11:30 और ये देखो अभी ये पहली बार घर से बाहर निकल रहा है, और बाहर निकलते ही अभी यहाँ नहीं दिखेगा, सीधा लेफ्ट जाएगा। ये देखो इसको जाते अपने दोस्त को देखना होता है। नहीं है ना, कोई भी नहीं है अभी, वो आया ही नहीं बाहर। तेरे को जल्दी होती है मिलने की, चल आ जा आओ। और सुबह सुबह का मौसम एकदम बढ़िया, मौसम में हल्की हल्की ठंड, वहाँ धूप निकली हुई है, हमारे यहाँ घर के यहाँ धूप ही नहीं है। ये देखो गाड़ी पर हल्की हल्की धूप पड़ रही है ना। चलाओ, चलें, चलो चलो कोको। अच्छा अब इसको पता क्या, इसका दोस्त नहीं दिख रहा, इसको यहाँ से समीरन दिख रहा है। समीरन है, तेरा दोस्त नहीं है। चलो लो भाई, ये रहा हमारा गोप्रो, हमारे हेलमेट का इंटरकॉम। ओ इतना अंधेरा क्यों है भाई। और ये रहा हमारा हेलमेट, और मैं आज सोच रहा हूँ इस पर ना वाइट वॉइजरी लगा के जाता हूँ, आते आते शाम हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। क्या हुआ? और ये देखो ये भाई सब बाहर से झाँक रहे हैं, आ जा अंदर आ जा। अब इसको समझ आ गई यहाँ पर जॉय नहीं है, आराम से आके बैठ जाता है। चलो भाई हेलमेट का सेटअप तो कम्प्लीट। क्या तगड़ी हवा चल रही है ना बाहर, मौसम वैसे ही ठंडा और इतनी तगड़ी हवा भी साथ में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज का सीन ये है, जो हम अपनी Z1000 जोकर करोलबाग छोड़ के आए थे उसका स्टैंड टूट गया था, वो फाइनल हो चुका है, पूरी बन चुकी है। साथ में अपनी हस्की लेकर जाएंगे, अपनी बाइक को वापसी लेकर आएंगे, और हो सकता है आज शायद लास्ट डे होगा अपना बाइक चलाने का। लास्ट डे मीन्स कल हमारा ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद महीना, डेढ़ महीना, दो महीना, जब तक वो बेड रेस्ट कहते हैं, बाइक नहीं चला पाऊंगा। तो अच्छा भी लग रहा है कि अपनी लेग सीधी हो जाएगी, मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि हाँ भाई डेढ़ दो महीने बाइक से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये भी है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों में वैसे ही बाइक चलाने का मन नहीं करता, लेकिन अपन तो यार जन्म से ही बाइकर है ना, तो सर्दियों गर्मियों बाकी ठीक है। यही प्रे करेंगे ऊपर वाले से, जो हो अच्छा हो, और आप लोग भी मेरे साथ हो तो अच्छा ही होगा। गो गो, अपनी गाड़ी पे सुसु कर रहा है, शर्म नहीं है तेरे को? वो खड़ी कोने में हस्की, और ये अपनी 12:50। और शाम के लिए हमने भाई जैकेट, ग्लव सब कुछ साथ में रख लिया, इसके टॉप बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि शाम को आते हुए ज़्यादा ठंड तगड़ी वाली। ये देख रहे हो अभी इसका मीटर एकदम वाइट नजर आ रहा है ना, इसके अंदर रेड लाइट जल रही है, जहाँ छाया आएगी ना तब नजर आएगा। ये देखो अभी बढ़िया है, ये मीटर लगा के ना मजा आ गया, और इस बाइक को चलाने का मजा ही अलग है भाई। आजा रेस लगाएगा क्या है? आजा आजा आजा। ओ भाई साहब, हवा में थी भाई ये पूरी की पूरी, कैंसिल रेस कैंसिल भाई, तो अकेले लगा ले। आज पहली बार हुआ है पेट्रोल पंप के सामने से हम निकल रहे हैं, और हमारी दोनों बाइकों में पेट्रोल है, रुकना ही नहीं है। स्कूल के बच्चों की हो गई है छुट्टी, और हम भी निकल गए अपने घर से। भाई आज मिलने वाला अपने को तगड़ा जाम, यहाँ तो खुली रोड है लेकिन 100% मिलेगा, क्योंकि आज है ट्यूसडे, सबके सब ऑफिस गए होंगे। आवाज़ तो इस बाइक की भी बढ़िया है ना, अलग ही है बिल्कुल। नया कैमरा लग रहा है भाई चलान के लिए, और भाई आज तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, यहाँ तक हमें जाम मिल जाता है, अभी दूर तक नजर आ रहा कोई जाम नहीं है। बढ़िया बढ़िया भाई, मेरे को लग रहा है घर से निकलते मेरे को उल्टा बोलना चाहिए, वो सीधा हो जाएगा। भाई ये क्या पहन के जा रहा आगे स्कूटी पे, रेन सूट तो है लेकिन नीचे का कहाँ है, ऊपर ठंड लग रही है, रेन सूट नहीं है भाई, जैकेट है, लेकिन भाई को खाली छाती छाती पे ठंड लगती है क्या? नीचे नहीं लगती भाई। बढ़िया भाई साहब, वो ये क्या है, रोड के बीच में घूम रहे बंदे, और यहाँ खड़े होके फ्लाइट देख रहे हैं भाई उड़ती हुई, वो देखो उड़ने वाली है। हाँ जब पहले मैं नए गुड़गांव आता था ना, मेरी नई नई जॉब लगी थी, तो ये दीवारें नहीं होती थी, यहाँ से क्लियर दिखता था, हम भी आधा आधा घंटा खड़े होकर देखते रहते थे, FZ पे आता था मैं।
अब तो इतना फ्लाइट में हम घूम लिए, तब तक मैं एक बार भी एरोप्लेन में नहीं बैठा था, अब तो इतना बैठ लिया अब नहीं देखने का मन करता। भाई क्या बढ़िया हवा चल रही है, तिरंगा देख रहा है क्या सही लहरा रहा है ना, एकदम बढ़िया। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, यो कसम से जो आज बाइक चलाने का मजा आया ना वैसा रोज आ जाए भाई। रोड एकदम खाली, पता नहीं लोग आज ऑफिस गए नहीं क्या कर रहे हैं, छुट्टी मार के घर बैठे हैं। भाई साहब ये ट्रक देख कैसे खड़ा हुआ है, ओ ओ, 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 ओ भाई ये देख आगे आएगा ना गाड़ी खड़ी है बीच में खड़ी है भाई, खराब क्रूप को तो नहीं पता खड़ी करके गया होगा कहीं, घर चला गया कह रहा मैं जा रहा हूँ बताओ, तभी वो ट्रक वाले को भी समझ नहीं आएगा उसके पीछे गाड़ी लगा दी होगी। ओ भाई ये कहाँ से निकल गया स्कूटी वाला, मेरी बाइक तो नहीं निकलेगी। ओ भाई ये भी निकल रहा है, ओले आप नहीं निकल पाओगे बोरी फंस जाएगी। निकल तो मेरी भी जाएगी लेकिन रिस्क लेना क्यों, दो मिनट बाद निकल जाऊंगा। ये कैमरा लगा के रखते हैं ना, कितने का बनता है ये, कितने का कैमरा है ये, कैमरा आता है 40,000 का। हाँ 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 भाई साहब लैंड क्रूजर बहुत बढ़िया, लेकिन इन्होंने गेट के बंद कर दिया है। डॉगी पीछे पड़ गया था भाई, भाई आज मंडे तो नहीं है, ये लोग शटर के बंद करके बैठे हैं। बस क्या हो गया छुट्टी बना रहे हो क्या, शटर के बंद करके बैठे हो, इसको अंदर डालना है। लो भाई Z1000 अपनी पूरी रेडी हो गई और देखो साइड स्टैंड पे खड़ी भी हुई है, और सबसे मेन चीज जब वहाँ बाइक गिरी थी ना इसका ये भी टूट गया था, तो हम सोच रहे हैं ये उतार ही दे, ये वाला भी वो वाला साबुत है, ये वाला उतार देते हैं, उतारने के बाद कैसे लगेगा पहले ये देखना है। और एक बार आपको इसका स्टैंड दिखाऊं भाई, एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया है ये ना, यहाँ चेसी से टूट गया था, ये चेसी का पार्ट है और यहाँ से टूट गया था, देख रहे हो सही है कामयाब है, अगर ये सही ना होता तो बाइक सही खड़ी ना होती ना, फिर डिंगी टेढ़ी खड़ी होती और कभी भी गिरने का चांसेस रहता। हाँ खड़े खड़े, और यहाँ पर खड़े खड़े ना मैंने उसको बोल दिया था बाइक पे रबिंग पॉलिश भी करवा दियो, देखो बाइक क्या शाइन मार रही है, क्या खतरनाक शाइन मार रही है, इसमें आते ही बोला बाइक शाइन क्यों मार रही है, मैंने भाई रबिंग पॉलिश करवाई है इस पे। चलो सही है ध्यान रखना ठीक है। तो अभी का सीन ऐसा है ना, जब भी हम अपनी बाइक को देखते हैं ना कुछ भी छोटी सी कमी पेशी लगती है ना तो उसमें लग जाते हैं कि ये ठीक करना है ये ठीक करना है। अभी हमने क्या किया, जो हमारी जोकर वाली बाइक है इसमें से पीछे नंबर प्लेट हटा दिया है, और ये देखो पीछे से कितनी सही लग रही है, अभी नंबर प्लेट लग जाएगी नीचे, टेल टाइडी हटा दी हमने इसकी ना, और इसमें हम क्या कर रहे थे वो का जो ये है ना वो के ऊपर से मिट गया था, ये मार्कर से ये लगा दिया, यहाँ से थोड़ा पेंट हट रहा था, यहाँ टेप लगा दिया, देखो आप लोगों को तो बता ही सकता हूँ ना हम बाइक में क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, तो वो अजीब सी लग रही थी। वैसे जिनसे मैंने पेंट कराया था उनको मैंने बोला, उन्होंने बोला लाइट भेज दो पूरी की पूरी दोबारा करवा दूंगा, मेरा इतना टाइम नहीं है, इससे बढ़िया ऐसा कर देते हैं। वो लगनी ये देखो भाई ये देख रहे हो ये हमारी हायाबूसा, अब मुझे नहीं पता किस किस को याद होगा, ये देखो इसमें भी एलॉयस के ब्लैक है, और इसके बाद हमने क्रोम करा दी थी, क्रोम वाली वीडियो, क्रोम 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 ये रहा। और आज मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारी हायाबूसा हमारे पास आ चुकी है वापस, ये रही ये देख लो सेम वही नंबर है 0210। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसको लेकर ना एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, अगर मेरे चैनल पे वीडियो ढूंढोगे ना तो आपको मिल भी जाएगी, जहाँ से मैंने बाइक ली थी ना उन्होंने 0210 कर दिया 0120। भाई मैंने जैसी वीडियो डाली बंदों का कमेंट आने शुरू हो गए कि भाई चोरी की बाइक है इस नाम पे, तो कोई इग्निस गाड़ी आ रही है ये आ रहा है वो आ रहा है, इतने दुनिया भरे कमेंट, कम से कम 200 मेल आ गई थी, फिर मैंने वीडियो बना के डाली भाई इंसान से गलती होती है, 0210 की जगह 0120 हो गया, ये गलती हो गई, तुमने तो भाई चोरी की बाइक बना दिया। तो अभी ये बाइक मुझे नहीं पता कौन चला रहा है, लेकिन अपनी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इससे, देहरादून लेके गए थे इसको पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए थे, अभी भी इसके अलावा क्रोमी है ना। हाँ क्रोमी है अभी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें उस बंदे ने चेंज कर दी है, विंडशील्ड मैंने इसमें रेनबो वाली डाली हुई थी वो हटा दिया है, ब्रैम्बो की पूरी ब्रेकिंग करी थी ब्रैम्बो हटा दिया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं इसमें, लेकिन सही है साफ कर दूँ, मेरी नहीं है लेकिन थी तो सही ना कभी ना कभी, पुरानी चीज़ें देखो कहाँ से कहाँ जुड़ी होती है, और आई थिंक 2019 की बात है, 2019 या 2020 में मैंने खरीदी थी,
साढ़े तीन चार साल होने वाले हैं, 2023 खत्म, 24 आ गया, साढ़े तीन चार साल बाद हमारी हायाबूसा में दोबारा देखने को मिल गया। लो भाई लो, आजा मासूम आजा, तेरे लिए पैटी मंगाई है मैंने पल्ले से पैसे डाल के, तू खा नहीं रहा यार, यहाँ तो ना मेरा मोटा खर्चा करवाया जाता है ये, मतलब पता नहीं क्या। चलो कोई बात नहीं भाई, अपना चलता रहता भाई, मजाक यार मजाक भाई है। कह रहा वेज नहीं खाऊंगा, नॉन वेज खाऊंगा। ओ भाई पनीर वाली पैटी है ये, लेकिन अभी एक चीज बताऊ, क्या मंगा रहा है? मैं पूरी कहानी बताता हूँ, मैं पूरी कहानी भाई। मैंने आते इसको बोला, मतलब घर से तेरा खाना नहीं है, कह रहा मंगा रहा, मतलब फोन करके पूछ क्या बना, मछली बनी है क्या बना, चिकन बना, वो कह रहे आलू बने हैं, मतलब तो अपने लिए मंगा ले, मैं पैटी खा लूंगा भाई, आलू वाली पैटी खा लूंगा। तो इसमें क्या बुरा बता, अगर अगर मछली मछली इसके घर पे भाई जो फिश बनती है, मैं कह रहा हूँ कहीं भी खा ली हो आपने, मतलब इसके जैसा टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। रेस्टोरेंट खोले क्या मिलके भाई, कसम से कह रहा हूँ आग लगा देंगे आप। यूट्यूब बंद करना पड़ सकता है। ठीक है भाई, यही एंजॉय करते हैं। लो भाई नंबर प्लेट लग चुकी है और बहुत ही सुंदर लग रही है, और साथ में इंडिकेटर भी लग चुके हैं जो कि अब नज़र आए हैं। अब बाइक की असली लुक निकल के आई है ना भाई, बहुत बढ़िया बहुत ही बेहतरीन। ये भी रेडी, और ये तो पहले ही रेडी थी, चलो अब। और साथ में इसका ये वाला लीवर गार्ड भी टूट गया था, हमने ये भी चेंज करा दिया, कार्बन फाइबर वाला लगवा दिया, और वो दोनों चेंज हो गए हैं। और तो इसमें कुछ खास काम नहीं था, स्टैंड वाला काम हो गया, मतलब सारे काम कंप्लीट है, बाइक एकदम रेडी है, लेके निकलो। चलो भाई यहाँ से निकलने का टाइम, टाइम आपको बता दूँ 6:36, और वापसी में मैं हस्की चला रहा हूँ, इसको चलाने का मजा ना अलग ही लेवल है। समीरन कह रहा था 3000 चला लो, मतलब भाई तू ही चला। और यहाँ से हम सोच रहे हैं डायरेक्ट फिजियो करने जाएंगे, एक बार ही साइबर सिटी के आसपास पहुँच जाते ना, फिर डिसाइड करेंगे, सर को फोन कर लेंगे वहाँ पर है कि नहीं है। ओके कमल भाई, इंडिकेटर बढ़िया लग रहा है ना, दूर से ही चमक रहे हैं। चलो मिलता हूँ भाई साहब, क्या सही लग रहे हैं इसके इंडिकेटर, एक नंबर। आई थिंक हनुमान मंदिर को दोबारा बना रहे हैं, पूरे हनुमान जी ना लकड़ियों से ढके हुए हैं। और एक काम हमने बढ़िया कर दिया, ग्लव्स ले आए, मौसम ठंडा ना भी जाते हुए ठंड मिलेगी। अरे रेड लाइट तो ओवर हुई नहीं, ये दोनों के चले गए, ऊपर से आगे वाली भाई पुलिस की थी भाई, येलो कलर की। चलो मेरे भाई लेट्स इट गो। ओ भाई फायर फ्लेम, तगड़ी छोड़ दी तगड़ी, ये देख भाई हर बार छोड़ रही है, हर बार फिर से छोड़ा। इस बाइक की ना बात ही अलग है भाई, हमारे पास इतनी बाइक है ना, मतलब मेरे को मन नहीं होता अंदर से उनकी तारीफ करूं, लेकिन अपने आप ही ऑटोमेटिक निकलती रहती है, इतनी सुंदर सुंदर, इतनी बढ़िया बढ़िया। कोने में डाल ले, कोने में से निकल लेंगे, काश गुड़गांव जाने का कोई और रास्ता भी होता, ये धोला कुआं बीच में ना आता, बाकी सब आता। देखो अभी हम बुद्धा गार्डन वाली रोड पे ही हैं, और यहीं से इतना ट्रैफिक लगा हुआ है ना, अब पूरा धोला कुआं तक कम से कम आधा घंटा हमारा यहीं जाएगा। ये देखो भाई आगे एक बस जा रही है, और इसका नंबर है DD01। DD क्या हो सकता है ये बताना, मैं भी सोच रहा हूँ DD क्या हो सकता है, हो सकता है मेरे को भी याद आ जाए, व्लॉग एंड होने तक बता दूँ, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। DD मतलब दिल्ली दीवाना, दीवाना दिल्ली, कुछ भी हो सकता है भाई, जिसको बताओ ना लिखना भाई कमेंट सेक्शन में। अरे तू यहीं खड़ा, मेरे को लगा तू निकल गया होगा घर। पूरा भाई दूर तक जाम है, दूर तक, बताओ कोई बंदा हो जो बहुत ही ज़्यादा बिजी है और उसके दिन के 4-5 ट्रैफिक में निकल रहे हैं, तो सोचो उसका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब दिन के अगर 4 लगा लो, महीने के हो गए भाई 120, साल के तो आप अपने आप ही लगा लो, मैं क्या लगा के बताऊँ। लो भाई आपको अभी नज़र तो नहीं आ रहा होगा, एक बार मोबाइल की फ्लैश चलाता हूँ, ये देखो ये हम खड़े हैं हाईवे के ऊपर, और हमारी हस्की में हो गया पेट्रोल ख़त्म। एक्चुअली नया मीटर लगाया ना, इसमें पेट्रोल का साइन बना नहीं आ रहा, और हमें समझ नहीं आया, अभी मैंने टैंक खोल के देखा अंदर पेट्रोल ही नहीं है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से 3-4 आ गया पेट्रोल पम्प, ज़्यादा भी हो सकता है, किलोमीटर का तो ध्यान नहीं, अब वहाँ तक लात लगानी पड़ेगी 3000 से, लगा लेगा लात। चलो हाँ जान दे। लो भाई लो फाइनली हम लोग पहुँच गए पेट्रोल पंप, कसम से पहले वाला जो इसका मीटर था ना उसमें साइन बना आ जाता था, और अभी करोल बाग से निकलते हुए मैं इससे पूछ भी रहा था, मैं तेरी बाइक में पेट्रोल है, कह रहा हाँ 1 दिखा रहा है, मतलब चल ठीक है फीजे करवा के वहाँ से बाहर निकलेंगे ना, वही पेट्रोल पंप आता वहाँ डलवा लेंगे, ये नहीं पता था इसी में ख़त्म हो जाएगा। चलो लेकिन सही है, 4-5 लात लगानी पड़ी, हवा टाइट हो गई, लेकिन पहुँच गए। इसको अब गर्मी लग रही होगी है ना, उतार दे दोनों जैकेटें, हाँ डायरेक्ट उसमें डाल दो।
2300 रुपये में दोनों बाइकों के टैंक फुल। एक बार सेल्फ मार के देख लो भाई, दो चार सेल्फ मार लिए थे ना, कहीं बैटरी लो गई हो। बहुत बढ़िया, पहले इतना टाइम जाम ने वेस्ट कर दिया, अब थोड़ा हमने खुद ने कर दिया और टाइम हो गया 7:30। हमने सोचा था 7:30 तक फिजियो सेंटर भी पहुँच जाएंगे, तो आज मैंने सर को कॉल ही नहीं करा, बिना कॉल करे ही जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम 7:36 हो गया और 8 बजे तक तो सर होते ही, इतने बजे तक हम भी पहुँच ही जाएंगे। कॉल करूँगा फिर 5-10 मिनट वेस्ट होंगे, इतने में हम पहुँच ही जाएंगे। सही लगता है साइबर सिटी में ना सजाया हुआ। वो देखो देखो आगे वहाँ पर भी एक क्रिसमस ट्री, वो देखो भाई क्रिसमस ट्री सामने, क्या सही लग रहा है। वापसी में लेकर जाएंगे इसको घर ना, अपने घर के बाहर लगाएंगे। वो देखो आ गया, पहले इसको अंदर जाना है, ये हमारा वेट कर रहा होता है, हम आए हम दरवाजा खोले ये अंदर जाए। लो भाई सही टाइम पे पहुंच गए, 7:54। Happy birthday to you. Happy birthday to you. केक तो बहुत सुंदर है ये। हाँ। बर्थडे किसका? स्कूल होगी उसके। अरे बर्थडे जिस मर्जी का। ये प्रभजोत सर का बर्थडे था ना? हाँ। ये थे नहीं यहाँ पे। तो आज हम उनके लिए केक लेके आए। ओ अब पार्टी। उन्होंने पार्टी नहीं दी है पर। हाँ तो मैं अभी तो आया हूँ और पार्टी भी दूंगा। ये ना पार्टी का केक ऐसे बनता है ऐसे बोलना। हाँ ये मेरी पार्टी का केक है, जिसको जिसको खाना है वो देख, सर को देख, चमचे लेके तैयार खड़े हैं। लो सर खाना शुरू करो। ये आगे चाय, मुझे बता दो लोग जिम क्यों आते हैं? समोसे खाने। ये देखो भाई समोसे आए हैं, और क्या है? समोसे मोमोज। भर क्या है? भर के। ये देखो भाई। ये? जब से आया ना मुश्किल से 5 मिनट एक्सरसाइज करी होगी, और मैम ने तो खाली स्ट्रेचिंग करी है, स्ट्रेचिंग के सिवाय तो एक्सरसाइज तो करी नहीं। मैं तो जैकेट लेने आई थी। और तमीलम की जैकेट पसंद आ गई है। प्लीज कमेंट। तो अभी का सीन ऐसा है, जैसे मैं आपको सुबह बता रहा ना, हो सकता है आज कल में ऑपरेशन हो जाएगा। और सिटी स्कैन देखा सर ने और सब ने, डॉक्टर वगैरह ने, तो उन्होंने बताया कि अभी भी ना बीच में कई जगह क्रैक्स बचे हुए हैं हल्के हल्के। तो क्या लग रहा है कितने टाइम बाद? अभी 2 से 3 महीने वेट करेंगे दोबारा सिटी कराएंगे, देन उसके बाद सर कह रहे हैं करने को तो अभी भी कर सकते हैं। जब एक्सरे देखा था ना तब तो फाइनल कर लिया था कि कर ही देते हैं। सिटी स्कैन देखा तो कह रहे हैं 2-3 महीने वेट कर लेते हैं, ये ना रिस्क वाला काम हो, जो रिस्क लेना नहीं है अच्छे से उसको जुड़ने देते हैं। खरोड़े का सूप हो गया, कैल्शियम की मेडिसिन वगैरह हो गई, वो कैल्शियम की आपने एक मेडिसिन भी बताई थी, वो भी खाना शुरू कर दूँ क्या? है ना, तो ठीक है अभी 2-3 महीने और वेट करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते। ठीक है, हो सकता है, मेरा मन ये था कि सर्दियों में निपटा देते हैं, लेकिन फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग में कर लेंगे, जाते हुए सर्दी। चले मेरे भाई, ठंड का मजा लेंगे अब। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। अब लगेगी भाई जबरदस्त वाली ठंड, जैसे जैसे रात होती रहती है ठंड बढ़ती रहती है। और मैं कसम से बहुत ज़्यादा खुश था कि ऑपरेशन हो जाएगा, सारे काम निपट जाएंगे, अभी भी खुश हूँ। देखो होना वही है जो ऊपर वाले ने लिखा हो, तो हमें लगा था आजकल में ऑपरेशन करके एकदम निपटा देंगे, लेकिन ऊपर वाले ने लिखा होता 2-3 महीने और रुक जाओ, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। तो भाई ओए स्पीड ब्रेकर था, पहले खुशी इस चीज़ की थी कि भाई ऑपरेशन हो जाएगा आराम से एकदम बिना टेंशन के, टांग सीधी हो जाएगी, महीना वेट करना पड़ेगा, महीना रेस्ट करना पड़ेगा। अभी खुशी इस चीज़ की है कि अभी 2-3 महीने में और घूम सकता हूँ, अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी मस्त घूमो, 2-3 महीने बाद देखेंगे जो भी होना है। भाई क्या आवाज़ है, भाई क्या आवाज़ है, बहुत बढ़िया मज़ेदार, हल्की हल्की नींद भी आ रही हो ना, वो नींद भी खुल जाए। अच्छा इतनी हिम्मत तेरी, तूने उसके हाथ पकड़ लिए भाई, ये ना वो रस्सी छोड़ के सीधा। और ये देखो ये साफ साफ लग रहा है ना, ये बाऊजी आज नहा लिए हैं और आते इनको घूमने जाना, आते ही शोर मचा रहा था। चले भाई घूमने, ये ना हो कि वो रस्सी छोड़ के मेरा हाथ में रस्सी बना दे। ले, 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 इसको अपनी रस्सी चाहिए, बस छोड़ दे जाओ, कह रहा अपनी रस्सी में खुद पकड़ूंगा, अपना मालिक में खुद दूंगा। चलो चलो बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, अंदर नहीं जाना, मुंह दिखा, मुंह दिखा एक बार, ऊपर कर, मुंह ऊपर कर, ये देखो
ये देखो ये भाई साहब नीचे से घूम के आए हैं, अभी नहाया था, अभी अब समझ आती मम्मी हमें क्यों डांटती थी जब हम बाहर खेलने जाते थे ना। दोबारा इसका सारा मुंह साफ करना पड़ेगा। ये देखो क्या करके आया ये, और उसके बाद सोफे के नीचे घुस रहा है। तो भाई अभी का सीन ऐसा है, अपना हो चुका है सोने का टाइम, क्योंकि कोको महाराज को आ रही है तगड़ी नींद, देख रहा है। हाँ इतनी तगड़ी नींद आ रही है आपको, इसका मुंह एकदम साफ कर दिया हमने, चल सो जा, आज कितना गोरा चिट्टा लग रहा है ये, वही वही। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारी जितनी भी बाइक से सारी की सारी एकदम परफेक्ट हो चुकी है, नीचे अपने गैराज में आ चुकी है, बस रहती है तो अपनी H2 जिसका आज हम अपडेट लेकर आए। कम से कम अभी 15 दिन उसमें लगने वाले हैं, 15 दिन बाद जब वो सामने आएगी ना आप बोलोगे वाह ऐसी H2 आज तक नहीं देखी है। H2 नहीं, हम उसको H2R ही बोलने वाले हैं। अब आप देखोगे ना तभी आपको मजा आएगा। बाकी होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आएगा। यहाँ तक आपने देख लिया लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलता है ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 भाई बाय बाय। कोको ओए बाय बाय तो कर दे, ए गहरी नींद में लग रहा है ये। चलो इसकी तरफ से भी बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।